अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग करेंगे क्लास 9 लाइफ साइंस चैप्टर 11 सर्कुलेशन पार्ट 1। यहाँ पे देखिए, देयर आर सेवरल एसेंशियल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ द बॉडी लाइक ग्रोथ, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। फॉर ऑल दिस फंक्शन फ्री मूवमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, एंजाइम, विटामिंस, हॉर्मोन्स एंड न्यूट्रिएंट्स इज अर्जेंटली नीडेड। बहुत सारा फिजियोलॉजिकल फंक्शन होता है बॉडी के अंदर, जैसे कि ग्रोथ, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। ये सब फंक्शंस के लिए फ्री मूवमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस की ज़रूरत है, एंजाइम की ज़रूरत है, विटामिंस की ज़रूरत है, हॉर्मोन्स की ज़रूरत है। इट इज़ ऑल्सो मच एसेंशियल टू रिमूव एक्सक्रीटरी टॉक्सिक सब्सटेंसेस। टॉक्सिक सब्सटेंसेस को भी रिमूव करने के लिए वी हैव टू रिमूव द टॉक्सिक सब्सटेंसेस लाइक यूरिया, यूरिक एसिड। ये सब के लिए एक सूटेबल मीडियम की ज़रूरत होती है। सर्कुलेटिंग मीडियम इन एनिमल इज़ ब्लड एंड लिम्फ। तो दीज टू यू हैव टू रिमेंबर दैट हम लोग का सर्कुलेटिंग मीडियम क्या है, ब्लड और लिम्फ है। मूवमेंट ऑफ वेरियस सब्सटेंस डिजॉल्व इन द लिक्विड मीडियम थ्रू आउट द बॉडी इज कॉल्ड सर्कुलेशन। नाउ कम टू द डेफिनेशन ऑफ सर्कुलेशन। सर्कुलेशन एक प्रोसेस है विद द हेल्प ऑफ दैट वी नेसेसरी सब्सटेंस जैसे कि न्यूट्रिएंट्स, रेस्पिरेटरी गैसेस, हॉर्मोन्स, एंजाइम, मिनरल्स और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट होता है टू द रिस्पेक्टिव ऑर्गन्स। दिस इज नोन एज सर्कुलेशन। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलेशन, दैट वी कैन से द फंक्शंस ऑफ सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एक्ट्स मेनली एज ट्रांसपोर्ट मीडियम। सो नंबर वन इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? नंबर वन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट। डाइजेस्टिव फूड सब्सटेंस विल बी अब्सॉर्ब फ्रॉम द डाइजेस्टिव कैनल एंड कैरिड बाय ब्लड। इट विल बी अब्सॉर्ब फ्रॉम द डाइजेस्टिव कैनल और ये कैरी कौन करेगा? ब्लड प्लाज्मा। एंड इट विल बी कैरिड टू द लिविंग बॉडी, लिविंग सेल्स, ताकि न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो। तो ये पहला फंक्शन है। दूसरा क्या है? रेस्पिरेटरी गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन। ऑक्सीजन जो फॉर रेस्पिरेशन, ये कैरी कौन करेगा? कहाँ से कैरी होगा? इट विल बी कैरिड फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यू सेल। और CO2, कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस्ड होता है टिश्यू सेल्स में, वो कैरी होगा विद द हेल्प ऑफ अ RBC, रेड ब्लड कॉर्पसल, एंड इट विल बी कैरिड टू द रिस्पेक्टिव ऑर्गन्स। तो दीज टू रिएक्शन यू विल सी, ऑक्सीजन विल कम्बाइन विद हेमोग्लोबिन एंड कार्बन डाइऑक्साइड विल कम्बाइन विद हेमोग्लोबिन। नंबर थ्री इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स। कैसे एंजाइम्स और हॉर्मोन्स ट्रांसपोर्ट होगा? तो एंजाइम एंड हॉर्मोन्स आर एसेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द लिविंग बॉडी। एंजाइम और हॉर्मोन्स की ज़रूरत होती है ताकि लिविंग बॉडी आराम से अपना प्रॉपर फंक्शन सब परफॉर्म कर सके। ये सिंथेसाइज होता है और लिबरेट होता है फ्रॉम सेवरल सोर्सेज और कैरी होगा विद द हेल्प ऑफ अ प्लाज्मा एंड इट विल बी कैरिड टू द रिस्पेक्टिव साइट्स। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। वेरियस जितना भी टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट है फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सर्कुलर मेटाबॉलिज्म, इसको रिमूव करेंगे फ्रॉम द बॉडी थ्रू प्लाज्मा। मीन्स द टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट विल बी रिमूव थ्रू प्लाज्मा। हेल्प इन स्टोरेज, जितना एसेंशियल सब्सटेंस है या और भी ऑर्गेनिक मैटर है जो ज़्यादा रहता है लिविंग बॉडी में, वो कैरी होगा विद द हेल्प ऑफ अ प्लाज्मा एंड इट विल बी कैरिड टू द स्टोरेज ऑर्गेन फॉर फ्यूचर यूज़। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, मेंटेनेंस ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन्स ब्लड प्रेशर, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन करेगा ब्लड प्रेशर एंड दस इट विल रेगुलेट एक्सचेंज ऑफ फ्लूइड्स एंड आयंस। आयंस ऑफ फ्लूइड का एक्सचेंज होगा बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। नेक्स्ट इज, तो दीज आर ऑल द फंक्शंस ऑफ सर्कुलेशन। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल। मिनरल कैसे ट्रांसफ़र होगा? बहुत सारा मिनरल्स जो ट्रांसपोर्ट होता है बाय सर्कुलेशन, दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ अ प्लाज्मा फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर। लास्ट वन, जनरेशन ऑफ हीट। हाउ हीट विल बी जनरेटेड? बाय सर्कुलेशन। सेल रिसीव करेगा फूड एंड ऑक्सीजन एंड देन द सेल प्रोड्यूस हीट एनर्जी। यानी कि सेल रिसीव करेगा फूड एंड ऑक्सीजन एंड देन इट विल प्रोड्यूस हीट एनर्जी। द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्पोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम ऑफ मैन कंसिस्ट ऑफ ब्लड, ब्लड वेसल एंड हार्ट। ओके, दीज थ्री। द हार्ट इज द पंपिंग ऑर्गन। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट को हम लोग सिस्टॉल बोलेंगे और एक्सपेंशन ऑफ हार्ट को क्या बोलेंगे? डायस्टॉल।
Due to this pumping action, a pressure gradient means a pressure is generated by which blood flows from all over the body through blood vessel. यानी कि यह pumping action की वजह से एक pressure generate होता है by which blood flow होना शुरू हो जाता है all over the body. और किसके ज़रिए flow होता है? Through three blood vessels, artery, vein and capillaries. Now come to the next page. See here, the differences is given, the differences between artery and vein is written here. So learn all the 6 points here. Okay, artery and vein. First difference, artery originates from heart and ends in the capillaries, and vein originates from capillaries and end in the heart. नेक्स्ट वन क्या है? थिक वॉल्ड विथ इलास्टिक टिश्यू लेयर एंड थिक मस्कुलर लेयर. यानी कि इसका क्या होता है? थिक वॉल्ड होता है एंड वेन हैज़ थिन वॉल्ड. ओके, सो दीज 6 points दैट यू हैव टू रिमेंबर. नाउ द नेक्स्ट डिफरेंस इज बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन. इसका पूरा पढ़ना पड़ेगा, ऑल द 4-5 points. नाउ द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन पल्मोनरी वेन एंड पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन, वॉट इज दैट? It carries oxygenated blood from heart to lungs. और pulmonary vein में क्या होता है? It carries blood from lungs to the heart. इसमें valve नहीं होता है, इसमें होता है. pulmonary artery में क्या होता है? Wall contains thick muscular layer, and in pulmonary vein, wall contains thin muscular layer. तो ऐसे करके आपको पूरा 5 point याद करना है.